चमत्कार अगर दिखाना है किसी को, जो यहाँ 25 से 40 करोड़ के बीच में दो जून की रोटी जिनके पास नहीं है उनको रोटी उपलब्ध करा के चमत्कार दिखाइए ना। चमत्कारी लोग कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, संविधान दिया, बराबरी का हक दिया। तो अभी तमाम लोग जो है यहाँ पर जुटे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम मौजूद हैं, और जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम बाबा जो अभी चर्चा में है लगातार, उस पर अभी टिप्पणी करते हुए, तो अभी हमारे साथ अतुल जी हैं। अतुल जी, अभी लगातार आपने बाबा बागेश्वर धाम जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं उन पर आपने टिप्पणियां की हैं, आपने भावनाएं आहत कर दी हैं। मैंने किसकी भावनाएं आहत की हैं वो सोचे, हमने उनकी वजह से वो बात नहीं बोली है, हमने अंधविश्वास की वजह से बात बोली है। अंधविश्वास कोई भी अगर फैलाएगा हम उसके खिलाफ हैं, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, अंधविश्वास से लोगों में जो जागृति है, चेतना है, वो कम होती है। आप पढ़ाई के ऊपर क्यों नहीं बोलते? आप गरीबों पर क्यों नहीं बोलते? आप शोषित वंचितों की बात क्यों नहीं करते? आप जो है लगातार चमत्कार चमत्कार, क्या चमत्कार है भाई? चमत्कार अगर दिखाना है किसी को, जो यहाँ 25 से 40 करोड़ के बीच में दो जून की रोटी जिनके पास नहीं है उनको रोटी उपलब्ध करा के चमत्कार दिखाइए ना। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है उन्हें चमत्कार दिखाइए। एक महंत ने, हमारे शंकराचार्य ने कही तो थी कि जोशी मठ की दीवारें अगर दरारें आप अगर भर दो तो हम चमत्कार मान लें। किसी ने, संत ने कहा कि बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े हैं, कई बार शहीद होते हैं, कई बार कैजुअल्टी होती है, उस बॉर्डर पर हम लोगों को सैनिक अपने जवान खपाने की जरूरत क्या है? वहां पर कुछ चमत्कार करके दिखाइए, और यहाँ पर जो परेशानी दिक्कत है उनको खत्म करिए। चमत्कार असली चमत्कार तो वो है। चमत्कारी लोग कौन थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी, संविधान दिया, बराबरी का हक दिया, ये है चमत्कार। देखिए, हम फिर कहते हैं ये बात, हम लोग भी किसी न किसी जात या धर्म में पैदा होते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हमारा विचार क्या है, हमारे काम करने का तरीका क्या है, उससे जनता को, लोगों को, आम जन को फायदा क्या हो रहा है। अगर आप किसी पोस्ट पर हो, ओहदे पर हो, पद पर हो, तो आपने कितने ऐसे लोगों को, वंचित शोषित पीड़ित लोगों को मदद की जिनसे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, ये बात होनी चाहिए। हमारा देश, नितिन गडकरी फडणवीस भी उनके दरबार में जा रहे हैं सर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये दरबारों में बहुत सारे लोग गए हैं। बाबा राम रहीम के दरबार में क्या ये सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे व्यक्ति नहीं गए थे? क्या प्रधानमंत्री जो इस समय के बाबा राम रहीम के दरबार में गए थे, नहीं गए थे? क्या वो सलाखों के पीछे नहीं है? और अगर पैरोल भी दे रही है तो कौन दे रही है? हरियाणा की सरकार ऐसे देते हैं, छुट्टी पाए हो बाबा। लेकिन सर, सर मीडिया वाले भी सर मुद्दे से पत्रकार भी जा रहे हैं सर उनके चरणों में। देखिए, मेरा एक और कहना, पत्रकार की उन्होंने पूरी कुंडली बता दी थी, आपने देखा नहीं किस तरीके से चर्चा में उठी? अब कुंडली हम तो कह रहे हैं, वो हमारी बहन जो थी जिसने लगातार सुहानी साहा, उसको भी वो किसी दरबार में अगर बुला लें तो पता लग जाएगा कौन ज्यादा चमत्कारी है। सर, मुद्दे से भटकाने के लिए तो बागेश्वर धाम को नहीं उठाया जा रहा, जातिगत जनगणना या पहलवानों की आवाज नहीं दबाने के लिए? वो आवाज दबने वाली नहीं है। ये कभी कभी दौर आता है, इनका भी दौर है, इनका दौर निश्चित रूप से बीतेगा। जब अडानी को ये दूसरे नंबर का अमीर बना सकते हैं दुनिया का, और कैसे एक छोटी सी कंपनी ने, एक छोटी सी जो संस्था ने उसकी पोल खोल के रख दी और शेयर धड़ाम डल गए नीचे, क्या कर पाए प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त के लिए? 4 लाख करोड़ गवा दिए ना, और आने वाले समय पर भी आप देखिएगा, जनता एक समय तक किसी चीज को सहती है, फिर परिवर्तित करती है, परिवर्तन आएगा। देखिए, वो भाजपा के लोगों की सोची समझी रणनीति है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बात की, वो बहुत अच्छी कही कि जो लोग गरीबों को, खासतौर से शूद्र नाम माननीय अखिलेश यादव जी, क्या मैं धन्यवाद उनका करूंगा कि उनको जाने से मंदिरों में अगर रोकते हैं तो उनसे बड़ा अधर्मी कौन है? वे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अब बोला कि हम सब शूद्र हैं सर, इतने साल बाद नहीं, उन्होंने लगातार बोला और बहुत बार ये बात रखी है, लेकिन मंदिरों में बराबर जा रहे हैं सर अखिलेश जी। अच्छा, एक बात बताइए कि मान लिया गए तो उनकी पोल खुली ना भाजपा के लोगों की, उन्होंने अपना कृत्य करके दिखाया ना, और माननीय अखिलेश यादव जी ने ठीक बात बोली कि अधर्मी है ये, भाजपा के लोग अधर्मी है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सीट पर बैठना है इनको और उनके लिए कुछ भी करना है। सर, वेस्ट यूपी से आते हैं सर, गुजर बिरादरी सर, जो अतर गुजर है बीजेपी में चले गए सर, वो डर के बचे से गए हैं, कुछ भविष्य दिख रहा है? अरे आपने देखा नहीं है भी क्या हुआ खतौली में?
खतौली में कौन लड़ा, मदन भैया, और किसने वोट दी? लेकिन जहाँ दलितों ने, मुसलमान भाइयों ने वोट दी, वहाँ सभी जाति वर्ग के लोगों ने वोट दी। और आप गुजर जाट सब इकट्ठे हो गए, सैनी कश्यप, पाल जोगी, प्रजापति नाई, धोबी सब और इकट्ठे हो गए और बम्पर तरीके से बीजेपी को हराया। आने वाले समय पर हमारा ओबीसी महासभा की जो है रणनीति वो तो कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भी सीधा स्टैंड है, जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में हो और फिर पूरे देश में हो। 2021 में जो जनगणना होनी थी, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, अंग्रेजों ने भी नहीं किया कि जनगणना कभी रोकी हो। इन्होंने जनगणना रोकी, इसलिए रोकी क्योंकि सब लोग मांग कर रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। माने मैं बिहार की सरकार को बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने जातीय जनगणना की पहल की। और अब इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने यह बात कही है कि जातीय जनगणना होगी, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। सर, सुरेंद्र सिंह नागर, नरेंद्र भाटी, विजेंद्र भाटी, सारे जो सब बीजेपी में, अरे आप तो हो वहीं के, तो आप बता दो ना कि सुरेंद्र नागर जी क्यों गए भाजपा में, बताओ क्यों गए? नहीं आप बताओ ना क्यों गए, अरे आप बता दो ना क्यों गए, आप बता दो ना कि माल बचाने के लिए गए। सर, जिसके पास अडानी भी जो है चर्चा में आ रहे हैं लगातार बागेश्वर धाम की तरफ। अडानी जी भाजपा में डायरेक्ट चले जाए ना, वो तो अप्रोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट भाजपा में। अच्छा, मजबूत क्या होता है, जनता है मजबूत, जनता जिसको चाहे उसको मजबूत बना दे, जनता जिसको चाहे हल्का कर दे। अभी अभी बाबाओं का कुछ चमत्कार चल रहा है, बीजेपी का एजेंडा तो नहीं उनके द्वारा? देखिए पूरा एजेंडा है और ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहूंगा कि अपना इसमें स्टैंड क्लियर करें कि अंधविश्वास बढ़ना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अतुल जी, हिंदू धर्म के कार्ड क्या है विपक्ष के पास में, राम मंदिर बन रहा है यूपी में? अरे हिंदू धर्म आप क्यों बार बार मुझसे पूछ रहे हो? मैं हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा जहाँ हिंदू समाज में जाना आना है, हमारा वहाँ पिछड़ों में भी जाना है, दलितों में है, शोषितों में है, वंचितों में है, मुसलमानों में है, सिखों में है, जैनियों में है, बौद्धिस्ट में, सब में आना जाना रहता हमारा। और हम वहाँ जाकर ये सोचते हैं कि कैसे किसकी मदद हो जाए, ये लोग सोचते हैं कैसे सीट पालें, गद्दी पालें। सर, ओबीसी के मंच पर आकर आपको आज कैसा लगा? मैं ओबीसी के मंच पर पहले भी जा चुका हूँ और ये नहीं जानता मैं भी तो ओबीसी हूँ। तो अभी हमने बात की अतुल प्रधान जी से, तमाम विषयों पर उनसे चर्चा की, तमाम बातें उनसे पूछी। बाबा बागेश्वर धाम पर जो लगातार जो चर्चा में बने हुए बाबा बागेश्वर धाम, तो उसकी खुलासा हो रहा है, लेकिन जो आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं बाबा की बातों को और उनको चमत्कार बता रहे हैं, लेकिन उसका खुलासा करते हुए सुहानी शाह ने खुलासा भी कर दिया है। उसके बाद जो ये माइंड गेम है उससे अब जो है धीरे धीरे लोगों की आंखों पे से पर्दा हट रहा है और लोग जागरूकता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी से आप देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।